सो हेलो एवरीवन, झोला छाप इंजीनियर के आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक मोबाइल से एक लैपटॉप के अंदर में यहाँ पर आप कैसे वायरलेसली फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी केबल या फिर ब्लूटूथ या स्लो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए। और बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स भी आप बहुत फास्ट तुरंत आप सेकेंड्स में और मिनटों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हमें चला जाना है यहाँ पर प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर हमें सर्च करना पड़ेगा एक ऐप के लिए जिसका नाम है वाईफाई एफटीपी सर्वर। तो ये जो ऐप है यहाँ पर, इसे आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे में ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर ये ओपन का बटन दिखा रहा है। तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। एक बार ये इंस्टॉल हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा फ़ोन को, तो वाईफाई ऑन करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जाके वाईफाई एफटीपी सर्वर का ऐप खोल लेते हैं। और यहाँ पे ये दिखा भी रहा है कि वाईफाई अभी डिसेबल्ड है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें वाईफाई ऑन कर लेना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको कोई भी फ़ोन दूसरे फ़ोन का हॉटस्पॉट से इसे कनेक्ट कर लेना है जिस पे आपका लैपटॉप या कंप्यूटर भी कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे घर के वाईफाई पे कनेक्ट हो गया। अब उस वाईफाई में नेट कनेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बस एक वाईफाई होना चाहिए जिसमें ये कनेक्ट होना चाहिए, आपका फ़ोन और लैपटॉप या कंप्यूटर दोनों। तो अब ये सेम फ़ोन के हॉटस्पॉट में आप मत कर दीजिएगा, किसी दूसरे फ़ोन का हॉटस्पॉट या घर में कोई वाईफाई है तो उससे आप फ़ोन और लैपटॉप दोनों को कनेक्ट कर लीजिए सेम चीज़ पे। एक बार ये हो गया है तो यहाँ पे वाईफाई स्टेटस में यहाँ पे ये इनेबल्ड दिखाएगा और यहाँ पर एक आईपी एड्रेस लिखा हुआ आ जाएगा इस जगह पे, आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर दें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले गूगल पे आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है एक ऐप के लिए जिसका नाम है फाइलजिला। तो यहाँ पर फाइलजिला आप सर्च कर लेंगे और यहाँ पर आप जाएंगे सबसे पहले लिंक में गूगल पे, और यहाँ पर आप ये डाउनलोड फाइलजिला क्लाइंट कर लीजिएगा, सर्वर मत कर लीजिएगा, क्लाइंट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आके ये विंडोज़ के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं यहाँ पर डाउनलोड नहीं करूँगा, मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से खोल लेता हूँ क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी है। अब देखिए दोस्तों, फ़ोन में आपको एक आईपी एड्रेस जो मैंने बताया था वहाँ पर लिखा हुआ था, सेम आईपी एड्रेस को यहाँ पर होस्ट में आपको डाल देना है। और मैं यहाँ पे भी, अगर आपको दिखाई दे पा रहा होगा कैमरा में, तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड जो है, यहीं पे जो यूज़र नेम और पासवर्ड देख लीजिए जो फ़ोन में लिखा हुआ है, एंड्रॉयड बाय डिफ़ॉल्ट होता है, उसे ही आपको यहाँ पर डालना है। एक बार इस चीज़ को डालने के बाद गाइस, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर एक आपको सर्वर यूआरएल में कोलोन के बाद एक नंबर लिखा हुआ है, यानी कि 2221। आप यहाँ पे फ़ोन में, आई होप आपको दिख रहा होगा गाइस, तो ये जो नंबर है इसे हम लोग पोर्ट नंबर कहते हैं। यहाँ पर हम लोग उस चीज़ को टाइप कर देंगे 2221। तो मैं आपको फ़ोन में भी दिखा दूंगा अल्टरनेट व्यू, अगर यहाँ वेबकैम में क्लियर नहीं हो रहा है तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डालनी है और क्विक कनेक्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये बोलेगा कि कनेक्शन सिक्योर नहीं है, बट टेंशन मत लीजिए दोस्तों, कोई आपके वाईफाई पे कनेक्टेड है तभी जा कर के आपका ये फ़ोन को एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पे बेसिकली ओके क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी ओके क्लिक कर देंगे। एक बार ये करने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो कुछ भी है वो मेरे कंप्यूटर में जो कुछ भी रखा हुआ है तो वो कुछ यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। और राइट साइड में आप देख सकते हैं ये DCIM और ये सब डाउनलोड, ये सब मेरे फ़ोन में जो कुछ भी फोल्डर है तो वो वहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए गाइज, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास डेस्कटॉप में एक टेम्प्रोरी करके एक फ़ोल्डर है मेरे कंप्यूटर में, तो इसे मैं खोल लूँगा और इस फोल्डर में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा DCIM के अंदर में, और मान लीजिए यहाँ पे कैमरा के अंदर में मुझे एक फ़ोटो चाहिए, तो ये लास्ट वाला एक फ़ोटो है, तो इसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ, तो ये मेरे कंप्यूटर में यहाँ पे आ जाएगा। मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ, पर आप देख लीजिए गाइस कि यहाँ पे एक टेम्प करके फोल्डर है। और यहाँ देखिए, मान लीजिए ये देखिए, ये मेरा एक फ़ोटो था, मैं माइक लेके कुछ गाने का ट्राई कर रहा था, तो ये फ़ोटो यहाँ पे आ गया है। ये मेरा फ़ोन बिल्कुल भी कहीं से भी मेरे कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं है, कोई केबल वेबल नहीं लगा हुआ है। ये मान लीजिए इतनी बड़ी एक वीडियो है, देख लीजिए कितना ज़्यादा साइज़ है गाइस। और इस वीडियो को भी मैं यहाँ पर डाउनलोड क्लिक करूँगा, देखिए एक सेकेंड के अंदर वीडियो भी आ गई। और ये देखिए, फ़ोन अभी भी कनेक्टेड नहीं है। लेंगे तो आपको लगेगा कि जितनी जल्दी आप केबल कनेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा जल्दी आप ये काम कर लेंगे। देखिए ये वीडियो भी यहाँ पर आ गया है गाइस, और मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ। देखिए हम लोग हॉस्टल की छत पे आ गए हैं,
तो यहाँ पर जब मैं हॉस्टल में कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने ये वीडियो बनाया था। देखिए दोस्तों, इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे स्टॉप का बटन दबा देना है और बस ये स्टॉप हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर बस वाईफाई ऑफ़ कर देना है, बस इतना ही करना है और यहाँ पे वाईफाई डिजेबल लिखा हुआ आ जाएगा। तो बस ऐसे ही इस ऐप को यूज़ करते हैं। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर कुछ आपको सीखने को मिला है तो अभी सब्सक्राइब करें द झोला छाप इंजीनियर यूट्यूब चैनल को और इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि ये हर किसी तक पहुँच सके।